गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 9 दोहे का अध्ययन करेंगे। दोहे क्या होते हैं? दोहे दो पंक्तियों की एक कविता होती है जिसमें क्या होता है, कोई संदेश होता है, यानी कोई ज्ञान देने वाली कुछ लाइनें होती हैं वे, और उनसे क्या हमें एक नॉलेज मिलती है, हमें कुछ उनसे ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? दोहे होते हैं। दोहे क्या होते हैं? ये दो पंक्तियों की एक कविता होती है जिससे हमें कुछ ज्ञानवर्धक संदेश मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आज आपका ये पाठ जो 9 है दोहे, इसमें कबीर जी के दोहे दिए गए हैं। आपने कबीर दास जी के बारे में सुना ही होगा। ये कबीरदास जी ने जो समाज में फैली जो बुराइयाँ थीं उनको दूर करने का प्रयास किया था अपने दोहों के माध्यम से। ठीक है, और ये ना हिंदू मुस्लिम इस आदि चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, ये सारे लोगों को एक साथ लेकर चलने वाले थे। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपना पाठ 9 दोहे को शुरू करते हैं। दोहे दो पंक्तियों की वह कविता है जिसमें कोई संदेश दिया जाता है, दिए गए दोहों में गहन विचार है। ठीक है बच्चों, तो आगे जो आपकी पुस्तक में दोहे आएंगे आपको उनको अच्छे से पढ़ना है और उनको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी कि वो आपको समझ में आ जाएं, आप भी थोड़ा उनको केयरफुली सुनना। देखो बच्चों, ये कबीर दास जी हैं, ये कबीरदास जी का फोटो है, वो इस तरीके से दिखते थे। ठीक है, वो ये 15वीं शताब्दी में पैदा हुए थे, ये तो 15वीं शताब्दी के थे, हमने इनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, हम सिर्फ इनको पुस्तकों में ही देख सकते हैं। तो आप देख लीजिए, ये कबीरदास जी हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को वाणी यानी कि बोली, कि मनुष्य को ऐसी बोली बोलनी चाहिए। कैसी बोली बोलनी चाहिए? मन का आपा खोए, आपा का मतलब होता है अहंकार, जो हमारे मन के अंदर जो अहंकार है, जो खराब चीजें हैं, जो बुराइयां हैं, उनको दूर कर सके। तो यहाँ कहने का क्या तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने अहंकार को खत्म करके, अपनी बुराइयों को दूर करके ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सामने वाले को अच्छी लगे, जो सामने वाले को कुछ ज्ञान दे। ठीक है, और अन को शीतल करे आपो शीतल होए। और वो वाणी कैसी होनी चाहिए कि औरन को, औरन मतलब दूसरे लोगों को शीतल यानी ठंडा करे, यानी कि अच्छी लगे। कैसी वाणी बोलनी है अपन को? जो दूसरे लोगों को प्रिय लगे, अच्छी लगे, जिसको सुनकर उनको आनंद की अनुभूति हो। और आप वो शीतल होए, और उस वाणी से क्या होगा, खुद को भी शीतल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि जब अच्छे वर्ड बोलेंगे तो वो दूसरों को तो अच्छे लगेंगे लगेंगे, किंतु वो अपने आप को भी अच्छे लगेंगे, हमें अच्छा फील कराएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया, मैं एक बार और समझा रही हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, कि अपने मन में जो अहंकार है, अपने मन के अंदर जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करके इंसान को ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे क्या हो, जिससे सामने वाला इंसान जब उस बोली को सुने, उसके विचारों को सुने, तो उसे अच्छा फील हो, अच्छा अनुभव हो। और क्या होगा, जब हम अच्छा बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति कैसा होगा, अच्छा अनुभव करेगा, तो इसका मतलब शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, वो आनंद की अनुभूति प्राप्त करेगा। और अच्छी बोली बोलने से सामने वाला तो प्रभावित होगा ही होगा, उससे क्या होगा, हम भी अपने मन को, हमारे मन को भी शांति मिलेगी। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब यहां पर कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, कि मेरे सामने गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं, गोविंद यानी कि भगवान, दोनों खड़े हुए हैं एक साथ। ठीक है, काके लागू पाए, अब मेरे सामने यह समस्या है कि मैं किसके पाए यानी कि पैर, मैं किसके पैर पहले स्पर्श करूं, मैं किसको पहले अभिनंदन करूं। समस्या है कि गुरु और
जो भगवान है दोनों मेरे सामने खड़े हुए हैं, अब मैं किसके पांव पहले छू। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। फिर आगे कहा जा रहा है कि बलिहारी कि हे गुरुदेव, आपने मुझे जो शिक्षा दी है, आपने मुझे जो ज्ञान दिया है, कैसा ज्ञान, गोविंद यानी कि भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता आपने मुझे बताया है वो आपने यानी कि गुरु ने ही बताया है, इसलिए मैं सबसे पहले गुरु के ही पैर छूंगा। आप मेरे लिए भगवान से भी ऊपर हो। क्यों हो? क्योंकि उस भगवान तक पहुंचने का रास्ता तो आपने ही बताया है, इसलिए गुरु और गोविंद में से मैं सबसे पहले गुरु के ही पैर स्पर्श करूंगा, उनके आगे ही नतमस्तक होऊंगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो एक बार और रिपीट कर देती हूँ। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भक्त के सामने समस्या है कि गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हुए हैं कि मुझे किसके आगे नतमस्तक होना है, मुझे कैसे किसके पैर पहले छूने हैं, उनके सामने समस्या आ गई है। तो वो आगे कहता है कि बलहारी गुरु कि आप तो ज्ञान के भंडार हो, उस ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग आपने ही मुझे बताया है, उसका रास्ता आपने ही मुझे दिया है, तो मेरे लिए सबसे पहला स्थान आपका ही है, तो मैं सबसे पहले भगवान से पहले मैं आपके ही चरण स्पर्श करूंगा, मेरे लिए आप भगवान से ही ऊपर हो। ठीक है, समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का छाड़ दे, मन का फेर। यहाँ पर कहा जा रहा है माला फेरत, माला यानी कि आपने देखा हो कुछ लोग जब पूजा करते हैं उस शाम के टाइम या सुबह के टाइम, तो उनके हाथ में एक माला होती है, वो उसको ऐसे फेरते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि माला फेरत जुग भया, जुग यानी कि युगो बीत गए, क्या करते करते माला को फेरते फेरते, लेकिन क्या हुआ, वो अपने अंदर कोई भी बदलाव नहीं लाए, वो जैसे हैं, जैसे उनके अंदर बुराइयां थी वो बुराइयां अभी भी उनके अंदर स्थित हैं, लेकिन माला फेरने से कुछ नहीं होता है, आप कितनी भी माला फेर लो कुछ नहीं होगा, फिराना मन का फेर। ठीक है, आपने माला फेरते फेरते युग बीत गए, फिराना मन का फेर, फिर भी आपके मन के अंदर जो अहंकार है, जो बुराइयां हैं, जो दुर्भाव हैं, वो दूर नहीं हुए, उनको आपने नहीं फेरा है। कर का मन का छाड़ दे, मन का फेर। अब कह रहे कि हाथ में जो तुमने मनके की माला ले रखी है, जो मोदियों की माला ले रखी है, उसको फेरना छोड़ दो, तुम्हें क्या करना है, मन का जो मन रूपी जो मोती है उसको फेरो, अपने मन को बदलो, अपने मन में बदलाव लेके आओ। ठीक है, जो आपके अंदर बुराइयां हैं उनको दूर करो। ठीक है, समझ में आया आपको? एक बार और रिपीट करती हूँ, माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कि मनुष्य को माला फेरते फेरते युगो बीत गए हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसके जो मन का फेर था, मन का जो मैल था, मन के अंदर जो बुराइयां थी, मन के अंदर जो दुर्भाव थे, मन के अंदर जो अहंकार था, वो दूर नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है, जो हाथ में तुमने मन का ले मनके की जो माला ले रखी है उसको फेरना छोड़ दो, तुम्हें क्या फेरना है, मन रूपी मोती की माला को फेरना है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपने जो बुराइयां हैं, जो अहंकार है, जो दुर्भाव है, उनको दूर करिए, अपने मन को साफ करिए। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाए आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं पोथी यानी कि किताब, पढ़ पढ़ के, जग माने जो संसार है, मुआ यानी कि मर गया। ठीक है, कि संसार में अनेक लोग किताबों को पढ़ पढ़ के मर गए हैं, पंडित भया ना कोई, लेकिन उनमें से कोई भी विद्वान नहीं हुआ। यहाँ कहने का ये तात्पर्य है कि तुम चाहे कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, ठीक है, पुस्तकें तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन जब तक इंसान उन किताबों से जो हमें ज्ञान मिल रहा है उसको नहीं अपनाएंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं बन सकता। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान यदि ढाई आखर, प्रेम में कितने अक्षर हैं, ढाई, दो और आधा, ठीक है, तो यदि कबीरदास जी कह रहे हैं कि इंसान यदि मनुष्य उस ढाई अक्षर
किसका? प्रेम के यदि ढाई अक्षर का पढ़ ले, उसका ज्ञान समझ ले, उसका अर्थ समझ ले, तो क्या होगा? पढ़े सो पंडित होए, तो वह व्यक्ति विद्वान बन जाएगा। ठीक है, किताबों के पढ़ने से कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है। वह ज्ञानी कैसे होगा? यदि वह प्रेम का ढाई अक्षर पढ़ लेगा, वह प्रेम के अर्थ को समझ जाएगा, उसका मतलब समझाएगा, और वह सब लोगों को प्रेम की दृष्टि से दिखेगा, सब लोगों से प्रेम करेगा, तो प्रेम के ढाई अक्षर को पढ़ने से ही व्यक्ति विद्वान बन सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। कबीरदास जी कहते हैं, करता था सो क्यों किया, जब तू सारे काम गलत कर रहा था, ठीक है, तो उनको तूने क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, तो अब उन कार्यों को करने के बाद तू क्यों पछता रहा है। ठीक है, तूने जो भी बुरे कार्य किए, लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, जो भी गलतियां की, उनको तूने कर लिया, लेकिन तूने उनको क्यों किया था, अब तूने कर दिया है, तू अब तू क्यों पछता रहा है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते आए। कबीरदास जी आगे बोलते हैं कि जब तूने पेड़ बबूल का ही बोया है, तो उस पर आम कहाँ से मिलेंगे, उस पर तो कांटे ही मिलेंगे, अर्थात समय के निकल जाने के पश्चात पछताने से कुछ भी लाभ नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसको सो समझ के ही करना चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं वह सही है या गलत है, उसका सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या उससे लाभ या उसको हानि होगी, आदि चीज़ें हमें देखनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका लाभ हमें कितना मिलने वाला है, सामने वाले को कितना मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो एक बार और रिपीट कर देती हूँ। करता था सो क्यों किया, कि जो तुमने जितने भी गलत काम किए तो तुमने क्यों किए, अब जो काम कर दिए हैं उनको करने के बाद तुम क्यों पछता रहे हो। बोया पेड़ बबूल का, जब तुमने पेड़ ही बबूल का बोया है तो उस पर आम कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि बबूल के पेड़ पर तो सिर्फ कांटे ही मिलते हैं, आम नहीं मिल सकते। ठीक है, अब जो तुमने कार्य गलत कार्य किए हैं उनका पछतावा कर क्यों कर रहे हो, अब तुम्हें जरूरत है कि तुम उनमें सुधार करो, अपने आप को सुधारो, अपने मन को शांत करो, और लोगों को कुछ अच्छा ज्ञान दो। ठीक है बच्चों, तो आपके ये कुछ दोहे थे आपकी पुस्तक के अंतर्गत, इनको आज हमने पढ़ा और थोड़ा ज्ञान हासिल किया। अब आपकी पुस्तक में शब्दार्थ दे रखे हैं, इनको हम देख लेते हैं। पहला है वाणी, वाणी यानी कि बोली, ठीक है, शीतल यानी कि ठंडा, पाए यानी कि पैर, कर यानी कि हाथ, मुआ यानी कि मर गया, आपा यानी कि अहंकार, गोविंद का मतलब होता है भगवान, युग का मतलब होता है युग, और मन का मतलब होता है मोती। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक? आपका जो वर्क है वो पीडीएफ के जरिए आएगा, आपको उसको अपनी कॉपी में स्वच्छ राइटिंग में करना है और सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है, साथ के साथ जो वर्क आ रहा है उसको याद भी करना है। ठीक है बच्चों, तो घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।